नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 9 और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसमें काव्यखंड और काव्यखंड के अंतर्गत हमारा जो 12वां अध्याय है माखनलाल चतुर्वेदी और उनके द्वारा जो रचित रचना है कैदी और कोकिला, उसके भाग 4 का हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने भाग 3 तक का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत कवि द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार किया जा रहा है, उसी का वर्णन किया गया है। और कोयल से कहते हैं कि तू तो स्वच्छंद घूमने वाली है और हर प्रकार से जो मदमस्तता बरसाने वाली है, तुम्हारी वाणी जो है हर प्रकार से हर किसी को आनंदित करने वाली है, तो तू रात के समय क्यों बोल रही है। तो इसके बीच में कोयल और कवि का जो संवाद है उसका वर्णन किया है। कोयल के माध्यम से कवि जो है उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके ऊपर हो रहे अत्याचार का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसी संदर्भ में आगे हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कवि जो कहता है कि तुम तो हर जगह विचरण कर सकती हो, लेकिन मैं, यानी कि अब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था इन्होंने, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया जिसके कारण से ये अंग्रेजों की कैद में थे, तो कहते हैं कि मैं तो एक छोटी सी कोठरी में रहता हूं और तुम तो स्वच्छंद वातावरण में विचरण करती हो और हर प्रकार से तुम्हारी जो उड़ान कह सकते हैं बहुत ऊंची है, अर्थात तुम कहीं भी आ जा सकती हो, स्वच्छंद हो, लेकिन मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे बीच में विषमता होने के बावजूद भी तुम हम सभी के अंदर एक नई जो उत्साह, जो ऊर्जा की भावना है उसको भर रही हो। तो ऐसे ही भाव इसमें कवि ने लक्षित किए हैं और इसी भाव को लक्षित करते हुए कवि लिखता है, जिसका हम अध्ययन करें आगे, कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब इसमें कवि कहता है कि तेरे को तो नसीब में तुझे तो हरियाली डाली मिली है, यानी कि तुम्हें तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली, यानी कि आनंद का जो वातावरण है वो प्राप्त हो रहा है, लेकिन मुझे तो केवल जो कोठरी है, कोठरी काली मतलब जो कारागार की कोठरी है, जो छोटा सा कमरा है, वो ही मुझे प्राप्त हुआ है। तेरा नव नव में संसार, मेरा 10 फुट का संसार। अब देखिए इसमें कवि कहता है कि जो इनको रहने के लिए कोठरी दी गई है वह सिर्फ 10 फुट की है। तो कवि कहता है कि तेरा नव नव में संसार, कि तुम्हारा जो संचार है, तुम्हारा जो विस्तार कह सकते हैं, तुम्हारी जो उड़ान है पूरे नव में, कहीं भी तुम उड़ सकती हो, लेकिन मेरा जो संसार है वो केवल यह 10 फुट की जो काल कोठरी है वह ही है और इससे आगे कुछ नहीं है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह। अब कवि कहता है कि तुम जब बोलती हो, कूक की आवाज करती हो, तो तुम्हारे जो गीत है, यानी कि तुम्हारी जो मधुर वाणी है, उसको सुनकर हर कोई वाह वाह करता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे रोने भी नहीं दिया जाता, हमारा तो रोना भी गुनाह यानी कि अपराध माना जाता है। देखो क्षमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब देखिए इसमें कवि कहता है कि विषमता, अब विषमता मतलब समानता नहीं है हमारे अंदर, किसमें, कैदी और कोकिला में, कोयल में और मेरे बीच में कोई समानता नहीं है। क्यों समानता नहीं है? क्योंकि कोयल जो है वो स्वच्छंद घूम रही है, विचरण कर रही है, आसरण कर रही है, लेकिन जो कवि है वो कारागार में बंद है, तो इसके कारण से दोनों में विषमता है। तो कवि कहता है कि तेरे और मेरे बीच में बहुत विषमता है, लेकिन फिर भी तू जो है हमारे अंदर अवरण घेरी, युद्ध के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो है वो, यानी कि तुम हमारे अंदर स्वतंत्रता आंदोलन की जो एक नई जो ऊर्जा है, नया जो नाद है वो उत्पन्न कर रही हो, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहूं क्या कर दूं। अब कवि कहता है हुंकृति, हुंकार या ललकार जो है, कि तुम इस प्रकार से हुंकार भर रही हो, गर्जना कर रही हो कि तुम बताओ कि मैं अपनी कृति से, अपनी रचना में और क्या कर सकता हूं, अर्थात किस प्रकार से नए जो भाव है सभी के अंदर जागृत कर सकता हूं। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल बोलो कि मैं अपनी रचना के अंदर किस प्रकार से नए और भाव भर दूं, जिससे कि हर कोई जो है उससे प्रेरणा ले और इस स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता पूर्ण भागीदारी निभाए। मोहन के व्रत पर
प्राणों का आसव विश्व में भर दूं। अब ये जो यहां पे मोहन शब्द का प्रयोग किया गया है, ये जो मोहन शब्द है, अब हमारा जो स्वाधीनता आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो उसका उत्तर मिलेगा कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि जिनको अपने महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। अब महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया स्वाधीनता आंदोलन था, तो उसी के अंदर ही माखनलाल चतुर्वेदी जो है भाग ले रहे हैं, और उसी के अंतर्गत ही वे कारागार में बंद थे। तो इसलिए यहां पे जो मोहन शब्द जो प्रयोग किया गया है वो महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है। महात्मा गांधी का पूर्ण नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, तो यहां पे सिर्फ मोहन शब्द का प्रयोग किया गया है कि मोहन के व्रत पर, कि मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने जो स्वाधीनता संग्राम जो प्रारंभ किया है, स्वाधीनता जो आंदोलन प्रारंभ किया है, जो व्रत लिया है देश को आजाद करवाने का, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कि हे कोयल तुम बताओ कि मैं अपने प्राणों का आसव, अब ये आसव का मतलब रस होता है, ये जो आसव यहां पे शब्द दिया हुआ है इसका मतलब है रस, और इसको मदिरा के रूप में प्रयोग करते हैं, यदि इस शब्द को दूसरा अर्थ एक और भी मदिरा भी है, लेकिन यहां पे हम रस से परिपूर्ण शब्द लेंगे, ये कि प्राणों का रस किसने भर दूं। अब कोयल से पूछ रहे हैं कि हे कोयल तुम ही बताओ कि मैं अपने प्राणों का जो रस है वो किसने भर दूं, अर्थात किस प्रकार से मैं अपने जो प्राण है उसमें लगा दूं, जिसके कारण से कि मोहन का जो व्रत है अर्थात महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया हुआ है वो शीघ्रता से पूर्ण हो सके। तो हे कोयल बोलो कि हे कोयल तुम बताओ कि जो महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया व्रत है वो किस प्रकार से मेरे प्राण के रस से परिपूर्ण हो सकता है। तो कहने का भाव अर्थ यह है कि इसके अंदर कवि ने हर प्रकार से एक भाव व्यक्त किया है और बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से कैदियों की स्थिति थी, किस प्रकार से उनका जो रहन सहन है, किस प्रकार के जो उनको जो कोठरी वगैरह दी जाती थी, छोटे कमरे दिए जाते थे, और कवि जो है कारागार में रहते हुए भी उसके जो भाव है वो देखिए किस प्रकार से हर किसी को प्रेरित करने वाले हैं। तो इसमें कैदी और कोकिला के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने जो विषमता थी, जो स्वच्छंद व्यक्ति है, स्वच्छंदता पूर्ण आचरण करने वाले हैं, और जो कैद में रहने वाले हैं उनके अंदर विषमता है, लेकिन फिर भी हर कोई जो है उस स्वतंत्रता संग्राम में हर प्रकार से भाग ले रहा है, और हर प्रकार से हर किसी के अंदर एक नई जो चेतना है वो जागृत हो रही है। तो ऐसा ही भाव जो है कवि ने कविता के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। तो ये था हमारा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदियों को किला का भाग चार, जिसका हमने आज अध्ययन किया है, और इसमें हर प्रकार से कवि जो है बताता है, कहता है कोयले के माध्यम से कि किस प्रकार से मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा अर्थात महात्मा गांधी द्वारा स्वाधीनता आंदोलन जो प्रारंभ किया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन जो प्रारंभ किया गया, उसमें हर कोई जो है अपने प्राणों का रस भरने के लिए लालायित है, और कभी भी इससे अछूता नहीं है, और कभी भी अपने प्राणों का जो रस है उसमें भर देना चाहता है, और स्वाधीनता जो आंदोलन है उसमें अपनी सक्रिय जो भूमिका है उसको वह निभा रहा है। तो यह था हमारा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित रचना कैदियों को किला, जिसके भाग का अध्ययन किया हमने। नमस्कार।